हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं फजी ब्राउनी। आप इसे सिजलिंग ब्राउनी भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये फजी ब्राउनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आने वाली नई नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। ब्राउनी बनाने के लिए यहाँ मैंने अमूल का सॉल्टेड बटर यूज़ किया है और ये डार्क चॉकलेट है। आप चाहें तो इसकी जगह कंपाउंड भी ले सकते हैं। अब हम बटर और डार्क चॉकलेट दोनों को मेल्ट करके मिक्स करेंगे। बटर को हम एक पैन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मेल्ट होने तक इसका वेट करेंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा, हम गैस ऑफ करके इसमें चॉकलेट डाल के उसको मेल्ट करेंगे। इस गरम बटर को हम चॉकलेट में डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बटर अच्छी तरह गर्म है, इसलिए चॉकलेट हमारी आसानी से मेल्ट हो जाएगी। ये चॉकलेट और बटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब हम अपना पाउडर शुगर और कर्ड को मिक्स करेंगे। ये मैंने पाउडर शुगर ली है, ये नॉर्मल घर की चीनी है जिसे मैंने पाउडर बना लिया है, और ये ताजा दही है। हमें खट्टा दही यूज नहीं करना है। अब हम इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। चीनी दही में अच्छी तरह घुल गई है। अब हमारे पास दो लिक्विड तैयार हो गए हैं, एक चॉकलेट का लिक्विड और एक दही का लिक्विड। तो वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे पास दो हो गए हैं, एक चॉकलेट का और एक दही का। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम मैदा लेंगे, कोको पाउडर, ये मैंने डार्क वाला कोको पाउडर यूज किया है, और इन दोनों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोको पाउडर और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसमें हम बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे। इसमें हम 3/4 TSP बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। हम इसमें बेकिंग सोडा यूज नहीं कर रहे हैं, केवल बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। अब इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो हमारे पास दही और चीनी वाला मिक्स है, इसमें हम चॉकलेट वाला मिक्स यूज करेंगे, ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चॉकलेट वाला लिक्विड हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट रेडी हो गया है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। हमें इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, केवल हमें इतना मिक्स करना है जितने में गुठलियां खत्म हो जाएं, क्योंकि हमें ये फजी टेक्सचर में चाहिए, ना कि केक जैसे स्पॉन्जी चाहिए।
ये हल्का गाढ़ा है, इसमें हम 1 से 2 टेबल स्पून गर्म पानी डालेंगे। हमें गर्म पानी कंपलसरी है, ठंडा पानी यूज नहीं करना है। पहले 1 टेबल स्पून डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी का यूज हमें पहले नहीं करना है, अगर आपका बैटर हल्का थिक लगता है तो ही पानी का यूज करना है। 1 टेबल स्पून हम और डालेंगे। इसमें टोटल मैंने 2 चम्मच पानी का यूज किया है। ये अब हमारा स्मूथ बैटर बन गया है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में पोर करेंगे। ब्राउनी बनाते समय हमें बटर पेपर कंपलसरी है, नहीं आपकी ब्राउनी टिन में ही नीचे स्टिक हो जाएगी। ये मैंने स्क्वायर टिन लिया है, आप चाहें तो राउंड शेप का टिन भी ले सकते हैं। इसमें मैंने अच्छी तरह ग्रीस करके चारों तरफ से बटर पेपर लगा दिया है। ब्राउनी के पूरे बैटर को हम टिन में अच्छी तरह पूर कर देंगे। ये बैटर को हमने अच्छी तरह पोर कर दिया है। इसे 2 से 3 बार हम टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो बाहर आ जाए। अब इस बैटर को हम प्री हीटेड पैन में रखेंगे। इस पैन को मैंने 10 मिनट्स के लिए सिम गैस में प्री हीट किया है, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। जब हम बैटर बना रहे होते हैं उसी टाइम हमें ये प्री हीट करके तैयार रखना होता है। इसे अच्छी तरह हम कवर कर देंगे और 30 मिनट के बाद एक बार हम चेक करेंगे हमारी ब्राउनी बन गई है या नहीं। 30 मिनट के बाद हम अपनी एक बार ब्राउनी चेक करेंगे। अभी हमारी स्टिक क्लीन नहीं है, इसका मतलब है अभी हमारी ब्राउनी कुक नहीं हुई है। अभी इसे 5 से 10 मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे। एक बार फिर हम अपनी ब्राउनी को चेक करते हैं। सेंटर में हम स्टिक डालेंगे। ये टूथपिक हमारी पूरी तरह क्लीन आई है, इसका मतलब है हमारी ब्राउनी अच्छी तरह बेक हो गई है। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और ब्राउनी को बाहर निकाल के अच्छी तरह 2 से 3 घंटे के लिए ठंडी होने देंगे। हमारी ब्राउनी अच्छी तरह ठंडी हो गई है, इसको अब हम डीमोल्ड करेंगे। ये हमारी ब्राउनी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इस ब्राउनी को कट करेंगे। ये देखिए इसका फजी टेक्सचर, ये पूरी तरह गुई है। तो लीजिए ये बन गई हमारी फजी ब्राउनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नई नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।